कांगनाओं की मांग को लेकर डॉक्टर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा द्वारा प्रदर्शन किया गया, कुछ दिन जो है जयपुर के शहीद स्मारक पर भी बैठे और उसके बाद में लगातार प्रदर्शन जारी किया, लेकिन उनके बाद में किरोड़ी लाल मीणा जी की गिरफ्तारी हो गई और अब जो है कल जो है गंभीर रूप से एक चोट भी उनको लगी। इस वक्त हमारे साथ में राजेंद्र राठौर जी साथ में। राजेंद्र जी बताएंगे किस तरह से आज जो है प्रदर्शन करने वाले हैं इस मामले को लेकर। सर आज है बीजेपी की ओर से बड़ा प्रदर्शन है, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, अब वीरांगनाओं की मांग को माना नहीं जा रहा है, तो सरकार क्या इतनी गिर चुकी है? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार वीरांगनाओं से वो बातें जो सरकार के एक मंत्रियों ने अंत्येष्टि स्थल पर जाके की थी उनको पूरा करे। किरोड़ी लाल जी के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, पुलिस के कर्मियों ने जिस प्रकार उन्हें उठा के पटका, कपड़े फाड़े, उन सारे सबको निलंबित करे, और ये रवैया जो सरकार का अब सामने आया है, ये सरकार के गांधीवादी चेहरे पर जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं गांधीवादी, उस पर कलंक है, काला काला धब्बा है बड़ा, और सरकार के इस रवैये पर चुनावी साल के अंदर हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अब इस लड़ाई को सड़क पर लड़ेंगे। कल रंजीता कोहली के भी जो है चोट लगी है, वो भी वीरांगनाओं से मिलने के लिए गई थी, तो जिस वक्त पुलिस से धक्कामुक्की हुई उनके बाद में चोट लगी। मर्यादाएं सारी टूट रही है, राजनीतिक मर्यादा, राजनीतिक जनप्रतिनिधियों का सम्मान सारा चकनाचूर हो रहा है, और सरकार का ये रवैया हमारे सामने आ रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। आज जो है यहाँ पर कितनी भीड़ आने वाली है और क्या अब सरकार आपके लिए भी एक बड़ी एकाएक कल धरने का ऐलान किया है, संख्या पता लगेगा कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, पर मैं कह सकता हूँ शानदार और जानदार धरना होगा। तो इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां जारी है और आज बीजेपी जो है प्रदर्शन करने वाली है यहाँ पर विभिन्न मांगों को लेकर, और यहाँ पर जो है भीड़ भी जुटना शुरू हो गई है और सामने मंच भी तैयार है, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को जो है गिरफ्तार किया गया, जहां पर उनको चोट भी लगी, और कल रंजीता कोहली बीजेपी सांसद के भी जो है वीरांगनाओं से मिलने पहुंची, जिस वक्त उनके भी चोट लगी है, देखने वाली बात यह होगी कि आज जो है सरकार के साथ में ये टक्कर कैसी रहने वाली है, क्योंकि लगातार जिस तरह से वीरांगनाओं की मांग को लेकर पहले राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो शहीद स्मारक पर बैठे और विधानसभा के बाहर गेट पर भी बैठे, लेकिन मांग को माना नहीं जा रहा है, जिसके ऊपर तर्क के अंदर मुख्यमंत्री गहलोत ने जो है एक ट्वीट भी किया था, जिसके अंदर कहा था कि जो मांगे माननी चाहिए थी हम उससे बढ़कर दे रहे हैं, कुछ बीजेपी नेता जो इसके अंदर वीरांगनाओं के साथ में मिलकर जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि आज जो बीजेपी का प्रदर्शन है वो कितना सफल रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है लगातार, और अब एक सांसद नहीं दो सांसद, क्योंकि कल जो है रंजीता कोहली के साथ में भी मारपीट हुई है, और अब देखना यह होगा कि आज क्या होगा। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ में दीपक कुमार, अवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।